तो आज हम आपको गुवाहाटी की टूर कराएंगे। पूरा सरायघाट ब्रिज से जो है ये टूर चालू होगी और पूरा का पूरा जो है एक बहुत ही अच्छा टूर होगा। गुवाहाटी का जो नेचुरल व्यू है उसको हम आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हो चालू हो गया। हम बस अभी सरायघाट पुल जो है वो पाने वाले हैं और यहाँ से सरायघाट पुल जो है चालू हो जाता है द ग्रेट ब्रह्मपुत्र। और आपको पता है दोस्तों क्या, ये जो ब्रह्मपुत्र नाम है इसको ये ब्रह्मपुत्र क्यों बुलाया जाता है इस विशाल भीमकाय नदी को, क्योंकि ये नदी जो है ब्रह्मा के पुत्र के नाम पे रखा गया है और ये ब्रह्मा के गोद से निकला हुआ है ऐसा लोगों का मानना है। और इस वजह से इस नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ा है। और ये महान नदी जो है चीन से होकर अरुणाचल से होकर सीधे आसाम के बीचों बीच होकर बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल जो है उस पे जाके ये नदी मिल जाता है। तो काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा नदी है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये दुनिया का तीसरा नदी है जो सबसे ज़्यादा पानी बहता है अमेजन और नील नदी के बाद। तो ये कुछ ब्रह्मपुत्र की बारे में आपने जाना। और जैसे ही हमने ये सरायघाट पुल पार किया तो हम जो है बस एक बहुत ही अच्छे नेचुरल व्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपके सामने ये देख सकते हो गुवाहाटी का जो है ट्रायर जो गुवाहाटी यहाँ से चालू होता है तो वहाँ का एक खूबसूरत सीनरी आप देख सकते हो। पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसमें काफ़ी हद तक जो है आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पे सीनरी है और काफ़ी हरा भरा मैदान है और काफ़ी हरा भरा है ये शहर। और नेचर को काफ़ी ध्यान में रखा है इन्होंने और जो है जो पेड़ पौधों को डिजास्टर यानी कि नष्ट नहीं किया है शहर के लोगों ने। तो ये आप देख सकते हो कितना बहुत ही अच्छे व्यू की तरफ है और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है नेचुरल तरीके से घर को है बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गुवाहाटी जालुकबारी वेलकम टू गुवाहाटी। आप गुवाहाटी के अंदर एंटर कर चुके हो और ये है एक मस्जिद। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो रेल लाइन काफ़ी है और काफ़ी सारे ट्रेन ठहरे हुए हैं और ढेरों ट्रेन आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस भी खड़ी हुई है तो आप ट्रेन का मज़ा उठाइए। दोस्तों यहाँ पे जो है कामाख्या जंक्शन ये स्टेशन है और यहाँ पे जो है ये नॉर्थ ईस्ट का जो है रेलवे का हेडक्वार्टर यहाँ यहीं पे है मालीगांव पे। आपको यहाँ पे जो है ये इस रेल स्टेशन पे जो है ट्रेन की इंजन को यहाँ पे ठीक किया जाता है और ट्रेन की जो डब्बे है उसको यहाँ पे धोकर इसको जो है रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है गुवाहाटी के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है कामाख्या जंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन जो ऊपर है वहाँ पे ट्रेन को धोया जाता है यानी कि ट्रेन को जो है वॉश किया जाता है आफ्टर सर्विस, यानी कि ट्रेन जो है एक बार अपने स्टेशन तय करने के बाद इसको यहाँ पे सारे डब्बों को धोया जाता है और काफ़ी क्लीन तरीके से जो है ट्रेन को सजा के रखा जाता है। इसके लिए इंडियन रेलवे को बहुत बहुत शुक्रिया और ये काफ़ी हद तक जो है काफ़ी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं ट्रेन के डब्बों को। और हमारा जो हम जो यात्री हैं हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है इन ट्रेन के डब्बों को जो है साफ़ सुथरा रखें, ये हमारा कर्तव्य है और हम इसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करें तो यही यात्रीगणों की सुविधा होगा। तो जैसा कि आप देखा हम जो है कामाख्या स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे जो है स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाने की प्रक्रिया चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को तो पता ही है आपको कि गवर्नमेंट ने जो है रेलवे स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाने की प्रक्रिया चालू किया है जो एक 5-स्टार होटल भी की तरह लगेगा इंडियन के जो सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो रेलवे स्टेशन है। तो ये आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे ट्रेन ठहरे हुए हैं। और आपको बता दें कि इस स्टेशन पे कामाख्या जंक्शन पे गूगल स्टेशन का गूगल वाईफाई का जो है फ्री मुफ्त डेटा आप उठा सकते हो, हाई स्पीड डेटा 10 Mbps की स्पीड पर और जो है 1 घंटे के लिए ये आपको अनलिमिटेड डेटा मुहैया कराएंगे। तो आप जो है अपना ज़रूरी काम फ़ोन की अपडेट वगैरह या फिर कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ के
तस्वीर ये कामाख्या स्टेशन के अंदर की कुछ बहुत ही अच्छी सीनरियो ग्रीन एनवायरनमेंट को सपोर्ट किया है, थैंक यू। और ये आप देख सकते हो मालीगांव चारियाली, जिसको बोलते हैं मालीगांव। तो यहाँ से आप अगर सीधा जाते हो तो जालुकबारी पहुँच जाओगे। तो ये आप देख सकते हो, ये एयरपोर्ट का रास्ता है गुवाहाटी का। तो ये हम अभी जो है दोस्तों आ चुके हैं भरालू मूव, यानी कि जो है आप देख सकते हो फैंसी बाज़ार अभी हम पा जाएंगे। और यहीं से जो है काफ़ी सारे फेरी वगैरह जो है चलती है और काफ़ी अमेजिंग है ये ब्रह्मपुत्र नदी। आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे जहाज़ जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है और लोगों को नदी के इस पार से उस पार ले जाता है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके सामने है। काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, शिप होटल जो आप बोलते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह। ये आप देख सकते हो, ये रेस्टोरेंट वगैरह भी है। आप तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। आप देख सकते हो ये रेस्टोरेंट वगैरह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आप जो है सुंदर खाने का। तो ये आप देख सकते हो शुक्लेश्वर मंदिर भी है, जब हमने इसको क्रॉस किया है तो यहाँ पे लोगों को फुटपाथ दिया है। तो ये असम का जातीय मेन जो है कल्चर है बिहू, और उनका जो है आप देख सकते हो बिहू का चित्रांकित किया गया है दीवारों पर। और ये असम का प्राउड है, गर्व है, और एक बहुत ही अच्छा जो है असम का कल्चर है आप देख सकते हो। तो ये है असम का मेन कल्चर। और ये है उमानंद में जाने के लिए केबल के तार का नया, इस पर अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है। और दोस्तों ये खूबसूरत जो बंगले आप यहाँ पे देख सकते हो हरे भरे, ये जो है दोस्तों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको दिया जाता है। और यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस रहता है काफ़ी पुराना है, काफ़ी करीब करीब 150 साल पुराना है। इसको रिपेयरिंग करके रखा गया। और आप देख सकते हो ये जो बंगलो है ये करीब करीब 100 साल पुराना है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह को यहाँ पे दिया जाता है, या फिर अध्यक्ष जो होता है आसाम के उनको यहाँ पे रहने के लिए दिया जाता है। ये बंगले काफ़ी हाईटेक है और काफ़ी सुंदर है और काफ़ी नेचुरल है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आप देख सकते हो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, असम में एक हाई कोर्ट। तो ये आप देख सकते हो असम का मेन हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है। यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजंस और काफ़ी अच्छे अच्छे वकील जो है बिलोंग करते हैं और देश भर में काफ़ी अच्छे डिसीजन लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो आम झील पुखड़ी आ चुका है गुवाहाटी का, बहुत ही अच्छा जगह और काफ़ी ब्यूटिक जगह है। यहाँ पे रूपकोट ज्योति क्रोश जो असम के एक राइटर थे, ऐतिहासिक राइटर, उनका यहाँ पे मूर्ति है। साथ ही साथ दोस्तों यह असम का जो है कॉमर्स कॉलेज है, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, यह असम का नंबर वन कॉमर्स कॉलेज है। जी हाँ दोस्तों, यह असम का नंबर वन कॉमर्स कॉलेज है। अगर आप असम में हो तो इस कॉलेज में पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा है कॉमर्स वालों के लिए और काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट इनमें आते हैं। तो ये आप देख सकते हो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज। और साथ ही साथ दोस्तों ये है गुवाहाटी जू रोड तीनियाली के कुछ आगे। तो यहाँ पे देख सकते हो तो एड्रेस द गुवाहाटी है, काफ़ी अच्छी जगह। ये बालाजी मंदिर छोटा सा। और साथ ही साथ दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा 360 डिग्री जो है सड़क है रूट हो जाता है। तो ये आप अभी जो सड़क देख रहे हो, जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो 360 डिग्री पे टर्न हो जाता है ये सड़क जू रोड में जाने के लिए। पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न हो जाता है ये सड़क गुवाहाटी में, बहुत ही अनोखा सड़क है, दुनिया पे आपको कहीं नहीं मिलेगा 360। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा ये जर्नी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है जालुकबारी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भूपेन हज़ारिका का भी स्टैचू है, ये जालुकबारी है। और गुवाहाटी का यहाँ पे जो है कुछ नेचुरल व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। तो ये है आप देख सकते हो गुवाहाटी की प्राकृतिक सौंदर्यता। हालांकि इस पर जो है, ये जो है आपको मैं बता दूँ, गुवाहाटी जो है इंडिया के टॉप 100 स्मार्ट सिटी में से एक है जो गवर्नमेंट ने इनको शामिल किया है। और आपको बता दूँ दुनिया में जो टॉप स्मार्ट सिटी है और बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन, उसमें जो तेज़ी से विकास यानी कि ग्रो कर रहा है उसमें गुवाहाटी भी एक है। ये आप देख सकते हो एयरपोर्ट जाने का रास्ता उस टनल के अंदर से होकर आप जा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, काफ़ी हरा भरा है यहाँ पे गुवाहाटी। तो अभी जस्ट हम सराईघाट पुल को जो है क्रॉस करने वाले, तो ये आप देख सकते हो सदीलापुर है आपके सामने। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, शिप वगैरह को रिपेयर किया जाता है, जो छोटे जहाज होते हैं और उनके पार्ट्स को यहाँ पे तोड़ मरोड़ के जोड़ा जाता है काम वगैरह। और ये जो पुल आप सामने देख रहे हो, ये नया पुल बन के 2 साल हुआ है, बन के तैयार हुआ है सराईघाट में दूसरा पुल। तो ये आप देख सकते हो नीचे द ग्रेट ब्रह्मपुत्र है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे नया पुल है जो सराईघाट को काफ़ी सुंदर बना देता है, ब्रह्मपुत्र को ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, सुविधाजनक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से गुवाहाटी में जो है जाने से पहले जो है यहाँ पे पहाड़ जो आपको एकदम स्विट्जरलैंड वाला फीलिंग दिखाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक व्यू दिखेगा। अगर आप जो है एक
नेचर लवर हो, प्राकृतिक प्रेमी हो, तो आपको यह गुवाहाटी जरूर विजिट करना चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे पहाड़ों से बीच, ये बहुत ही अच्छा सिटी है। और ये वैली आप देख सकते हो कितना सुंदर है। आप कमेंट में बताओ ये नज़ारा आपको कैसा लगा। मेरे लिए ये बेस्ट नज़ारा है इस वीडियो का। बाकी आप हमें कमेंट में बताओ कि ये नज़ारा आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ दोस्तों अभी जो है ये आप देख सकते हो येलो वाला, ये गुवाहाटी का इंडोर स्टेडियम है जहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह होता है। तो नेशनल गेम वगैरह जो एशियन गेम्स हुआ था वो यहाँ पर हुआ था गुवाहाटी पे, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह। तो यहाँ पे भी कुछ इंडोर गेम एक्टिविटी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल वगैरह, बास्केटबॉल वगैरह, ये सब एक्टिविटी यहाँ पे होता रहता है। स्पेशली ये बैडमिंटन का जो स्टेडियम था, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मकान बन रही है। और ये आप देख सकते हो प्रकृति का सौंदर्य कितना है गुवाहाटी पर प्रभाव क्या है। तो ये आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच। और गुवाहाटी का मेन जो है मंदिर है कामाख्या मंदिर है, जो पहाड़ नीलाचल पहाड़ के ऊपर है, आप उसको भी एक बार ज़रूर विजिट करना। और ये आप स्टेशन देख सकते हो आगिया ठुरी है जो कामाख्या से पहले आता है। यहाँ पे यूजुअली ट्रेन ज़्यादा रुकता नहीं है। तो ये आप देख सकते हो बुद्धा का जो है टेम मूर्ति है यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर। और यह लॉर्ड बुद्धा का एक बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ पे पहाड़ों के बीच में बनाया गया। आप इस मंदिर को भी एक बार ज़रूर विजिट करना दोस्तों। थैंक यू।